हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिदय सैन। आज के नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक कॉमन बीमारी के बारे में जिसका नाम है हाइपर एसिडिटी। क्लिनिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर चौथा या पांचवा पेशेंट इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के क्या कारण हैं और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और होम्योपैथिक में वो कौन सी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो सिर्फ हाइपर एसिडिटी के लिए बनी हुई है, मतलब हाइपर एसिडिटी को हम इजली घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिनके बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि हाइपर एसिडिटी होती क्या है। हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। अब बात करते हैं इसका जो कॉमन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉजेज हैं, कारण हैं, वो हैं जैसे कि एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल का ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन लेना, या फिर कहें कि लंबे टाइम तक या फिर बैठे बैठे काम करना, ओबेसिटी और कोई भी स्टोमक में इन्फेक्शन होना। ये जो कॉमन कॉजेज हैं हाइपर एसिडिटी के। अब बात करते हैं हमारे वो जो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हाइपर एसिडिटी के कारण होते हैं, जो पेशेंट फील करता है। जैसे कि हार्ट बर्न, जिसको हम चेस्ट बर्न भी कह सकते हैं, छाती पर जलन होती है, भूख नहीं लगती, साथ साथ में गैस बनती है, हमारा जो एब्डोमेन है वो भारी और फूला फूला महसूस होता है। साथ में अगर हम खाना खाते हैं तो हाइपर एसिडिटी है जो उसमें आराम मिलता है, और जैसे जैसे भूख लगने शुरू होती है और हाइपर एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये इसका कॉमन सिम्टम है, इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स हैं। साथ में गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, और गैस बनने के साथ साथ जो हमारा फ्रंट है, ये फ्रंटल हेडेक इसको बोलते हैं, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक हेडेक भी बोलते हैं और फ्रंटल हेडेक भी बोलते हैं। ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं वो कौन सी मेडिसिन है जो इस बीमारी को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल हैं। जो पहली जो हमारी मेडिसिन है वो है रोबिनिया 200। इस मेडिसिन की जो डोज होगी वो 200 में लेनी है और वीक में एक बार लेनी है 4 से 5 ड्रॉप। इसके जो सिम्टम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हाइपर एसिडिटी के जो सिम्टम वो सेम सिम्टम हैं, और ये मेडिसिन टॉप ग्रेड मेडिसिन है हाइपर एसिडिटी की। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो 4 लाइन लिखी हुई आएंगी, वो हाइपर एसिडिटी के रिलेटेड है, और साथ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, वो एपेटाइट, खट्टी डकार आना, ये इसके सारे सिम्टम्स हैं। दूसरी हमारी जो मेडिसिन है वो है ट्रक्सकम ऑफिसनलिस। ये 30 में हमें लेनी है, 4 से 5 ड्रॉप सुबह शाम लेनी है। ये मेडिसिन सपोर्टिव मेडिसिन है रोबिनिया की। इस मेडिसिन का जो मेन एक्शन है वो है कि ये हमारे स्टोमक को और हमारे लीवर को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है, और इस मेडिसिन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन की कंडीशन होती है हाइपर एसिडिटी के कारण स्टोमक में, तो उसको हील करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इस मेडिसिन में विटामिन्स और मिनरल्स की अच्छी खासी मात्रा मिलती है, सो इस मेडिसिन को इस हाइपर एसिडिटी में इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट ग्रेड और टॉप ग्रेड की मेडिसिन है हाइपर एसिडिटी की। डोज में एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो रोबिनिया है ये हमें 200 में लेनी है, 4 से 5 ड्रॉप वीक में एक बार। ट्रक्सकम ऑफिसनलिस जो मेडिसिन है वो हमें 30 में लेनी है, उसके 4 से 5 ड्रॉप हमें सुबह शाम यूज़ करनी है, दिन में 2 बार बस। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।